हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा स्प्लिट एसी का जो इंडोर यूनिट है उसको कैसे असेंबल किया जाता है, वन बाय वन हर एक चीज पार्ट का। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों हर एक पार्ट को बता देता हूँ। ये इंडोर यूनिट का बेस फ्रेम है, ये इंडोर यूनिट का बेस फ्रेम है। ये हमारा रहा ब्लोवर, ये है ब्लोवर और ये रहा ब्लोवर मोटर। ब्लोवर मोटर में आप देखेंगे ये रहा हमारा ब्लोवर मोटर, असिंक्रोनस मोटर। ये है हमारा पीसीबी, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट। दोस्तों आप, ये रहा हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ये हमारा कॉन्टेक्ट ब्लॉक। ये ल्यूबर है जिसमें पानी का स्टोर होता है सिस्टम। और ये हमारा एवेपोरेटर कॉइल पूरा है उसका असेंबली। और ये रहे हमारे फिल्टर। दोस्तों इसके बाद देखते हैं हर एक चीज को हम कैसे वन बाय वन फिट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों, ये हमारा बेस फ्रेम है इंडोर यूनिट का बेस फ्रेम, इसमें सबसे पहले हम ब्लोवर इंस्टॉल करेंगे। ब्लोवर मतलब ये वाला। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको इंस्टॉल करना। ये हमारा रहा ब्लोवर, इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये हमारा ये लग गया। ये हमारा मोटर है, मोटर को सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं। मोटर हमारा ये इंस्टॉल हो गया, इस पोजीशन पे रहेगा मोटर ये हमारा। इसके बाद हम इस ब्लोवर में ये क्रोमेट रबड़ है, क्रोमेट रबड़ इसको इस पुली में सेट करके कि दोस्तों ये हमारा ऐसे सेट हो जाएगा। इसमें एक स्लॉट रहते हैं तो उसमें सेट हो जाएगा ये। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक ग्रोमेट लगेगा, ग्रोमेट। ये रहा ग्रोमेट, ये ऐसे फिट होगा। और आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ऐसे फिट होगा और सीधे इसके यहाँ पे ऐसे रख दिया जाएगा, मतलब ऐसे फिट हो जाएगा अच्छे से कि लॉक हो गया है। अभी हमारा ब्लोवर चलेगा। अभी दोस्तों हम आपको दिखा दें, ये एक लॉक करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, क्योंकि मोटर है, मोटर पे हमको लॉक करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम एक स्क्रू लगा के लॉक कर देते हैं दोस्तों। ये ऐसे इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये हमारा टाइट हो चुका है अच्छे से। इसके बाद दोस्तों हम इसको फिट करेंगे। ये रहा दोस्तों, हमने इसको प्रॉपर वे पे फिट कर लिया है। यहाँ पे दो स्क्रू लगेंगे, इसके बाद फिर एक यहाँ पे स्क्रू लगेगा और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे दो स्क्रू लगेंगे, देख रहे होंगे आप साइड पे। अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, ये इसके बाद फिर हम फिट करते हैं ये मोटर के इसको, तो यहाँ पे इसको कैसे फिट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे फिट होगा ये। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारा सम्प है, जिसको यहाँ पे ड्रेन लाइन जाती है, यहाँ से हमारा पूरा ड्रेन जाता है। ये पूरे यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे पूरा हमारा पानी भरा होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मोटर है, ल्यूबर मोटर इसको कहते हैं, मोटर फ्लैप मोटर, ल्यूबर मोटर। इसको हम देखते हैं दोस्तों कैसे फिट करना है। यहाँ फिट करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे दो स्क्रू लगेंगे और एक स्क्रू यहाँ पे लगेगा। चलिए दोस्तों मैं अब पीसीबी को असेंबल करके बताऊंगा कैसे इसको फिट किया जाता है, ये सारे जैक्स किस किस के लिए हैं, क्या काम करता है। पर सबसे पहले दोस्तों बता दूं, यहाँ पे दो सेंसर हैं, ये ट्यूब सेंसर है जो ट्यूब के टेम्परेचर को सेंस करता है। ये एक रूम सेंसर है, रूम को सेंस करते हैं कि हाँ इतनी डिग्री हो गया, जितना हमारा सेट पॉइंट रहेगा, आफ्टर दैट ये ट्रिप करेगा, बंद करेगा कंप्रेसर को। दोस्तों ये हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो कॉन्टेक्ट ब्लॉक है जैक्स, ये हमारे इंडोर मोटर के ये हाई मीडियम और लो उसके लिए है, जैक लगेगा उसका है। ये हमारा
इसमें जाता है, ट्रांसफार्मर में जाती है सप्लाई, यह ये वाला जैक। और दोस्तों ये हमारा है ल्यूबर मोटर का CN6। चलिए दोस्तों मैं इसको जैक फिट करता हूँ, कैसे फिट करते हैं। ये हमारा ये मोटर है, ये मोटर मोटर के जैक है, इसको हम यहाँ पे फिट करते हैं। फिट करने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऐसे इसको सेट करके 6। चलिए दोस्तों मैं इसको जैक फिट करता हूँ, कैसे फिट करते हैं। ये हमारा ये मोटर है, ये मोटर मोटर के जैक है, इसको हम यहाँ पे फिट करते हैं। फिट करने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऐसे इसको सेट करके और यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये फिट हो गया। यहाँ पे ऐसे ये वाला भी जैक लगा देंगे, ये फिट हो गया हमारा। अभी आप देखेंगे ये ल्यूबर मोटर का है, जो मोटर फ्लैप मोटर, इसको फिट करने के लिए यहाँ से ऐसे लगाएंगे। अब देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये हमारा ये हमारा फिट हो गया, ये हमारा ब्लॉक ये भी फिट हो गया। अभी हमारा बचा है ये पीसीबी का जो डिस्प्ले है वो। अभी दोस्तों ये भी ट्रांसफार्मर का ये आउटपुट है, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करके देता है। यहाँ पे ऐसे ये फिट होगा, अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसे फिट हो गया हमारा। इसका इनपुट इनपुट सप्लाई इसको देते हैं ये वाला जैक से, ये हमारा जैक लग गया। दोस्तों ये हमारी अभी पीसीबी का असेंबली पूरा फिट हो गया है, अब हम इसको प्रॉपर वे पे फिट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ फिट करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे ये स्लाइडिंग है, यहाँ से ऐसे निकलता है और ऐसे ले जाके ये ब्लॉक्स है यहाँ पे फिट हो जाएगा। सेम दोनों तरफ है, आप इसको ऐसे फिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके जो कनेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये हमारे दो सेंसर हैं, हमारा ये ट्यूब सेंसर हमारा यहाँ पे फिट हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे बना है स्लॉट, और ये हमारा रूम सेंसर है, रूम सेंसर हमारा यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूँ ये हमारे कनेक्शन कैसे होंगे, वो सारा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारे तीन केबल हैं, ये हमारा फेज है, ये ब्लू वाली न्यूट्रल है और ये ग्रीन वाली अर्थ है। इसमें हमारा ये वाला ब्लू वाला ये भी न्यूट्रल है पीसीबी का जो है, और ग्रे वाली जो है हमारा ये ग्रे है, ग्रे कलर का ये फेज है हमारा, इन अंदर जाएगा पीसीबी के अंदर। और ये हमारे उधर से रिटर्न होके ये कंप्रेसर के लिए है, सीपी के लिए है। ये सारे अभी ये हम यहाँ पे फिट करेंगे। चलिए दोस्तों ये तो हमारा कनेक्शन हो गया है, जो ग्रे वाला था ग्रे में कनेक्ट कर दिया, मतलब फेज आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे लाइन लिखा है, लाइन ये न्यूट्रल और ये अर्थ, और ये हमारा तीन नंबर सीपी है जो कंप्रेसर के लिए जाएगा। अभी इसका दोस्तों देखेंगे आप, ये हमारा कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, आप देखेंगे इसमें ये ट्रांसफार्मर है, ये फैन मोटर है, स्टेपर मोटर है, और ये हमारा जो रिसीव पैनल है, यहाँ पे स्विच है। दोस्तों ये हमारा पूरा सेट हो चुका है, ये हमारे पूरे थर्मोस्टेट सेट हो चुके हैं, बॉक्स भी सेट हो चुका है, और ये हमारा कवर फिट करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे चार वो रहते हैं फिटिंग का जैक, उसको कुछ नहीं ऐसे लगाना है, ऐसे ठोकना है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे फिट हो जाता है। दोस्तों
तरीके से यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये हमारा 4 स्क्रू लगेंगे यहाँ पे, 3 यहाँ पे लगेगा और 2 यहाँ पे लगेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसके बाद फिर ये हमारा फ्लैप लग जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा मोटर है, लीवर मोटर फ्लैप, इसको कैसे फिट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक स्लॉट है और सेम ऐसे मोटर पे भी है। इसको यहाँ पे ऐसे फंसा के और इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे इसे फंसा दिया जाता है। ये हमारा और इसकी यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे ऐसे ही फिट होगी और ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ही यहाँ फिट हो जाएगा। ये हमारा लीवर का ये फिट हो गया। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यार ये फिल्टर्स हैं, ये हमारा फिल्टर है। फिल्टर को आप हम ऐसे यहाँ पे इसे फिट करके प्रॉपर वे पे इसे सेट कर देंगे। ये हमारा यहाँ दूसरा फिल्टर ये है, यहाँ पे ये फिट हो गया। दोस्तों हमारा बचा डिस्प्ले प्लेट, ये रहा डिस्प्ले, ये हमारा डिस्प्ले है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ये पावर का है, ये हीट का है, ये कूल का है, ये स्लिप ड्राई और टाइमर का है। ये टाइम बताइए, ये डिस्प्ले है, ये वोल्टास एसी का है, ये टू स्टार है। इसका रहा ये रहा इसका नेम प्लेट रेटिंग। तो मैं आप देख रहे हैं ये, और इसको ऐसे सेट करके इसको थोड़ा सा ऐसे पुश करेंगे तो आ जाएगा ये। अभी आप देखेंगे ये हमारा पूरा प्रॉपर सेट हो चुका है, ये हमारा ये फिट हो चुका है। चलिए दोस्तों